सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भक्तुंड महाकाय सूर्यकोटि प्रभ निर्भिघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोके दुर्गा शिवोवाच देवे त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायने कलाभिकार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यन्नतः। देव्योवाच शृणो देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेषु साधनम् मया त्वमेव स्नेहेनाप्यम्भासुधे प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्रीदुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टव छन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्रीदुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनाम विजेतासि देवि भगवति हृदा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयश्यति। दुर्गे स्मृता हर्षभेतमशेषजन्तोः स्वस्ते स्मृता मतिमदेव शोभा ददासि। दारिद्र्यदुःखमयहारणिका तुरन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवे नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्विते भयभयस्वाहिनो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते। रोगानशेषान्नपहांसि दुष्टा रुष्टा दुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानाम् न विपन्नराणाम् त्वामाश्रिताया श्वेताम् प्रयान्ति। सर्वाभाधप्रशमनम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मभैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्रीदुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानि भव मोचने आया दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणि पिनाकधारिणि चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्ध्यहङ्कारा चित्तरूपा चिदाचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्ता भावने भव्या 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 सदा गतिः। शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञा विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावति पट्टाम्बरपरिधाना करमञ्जीरञ्जनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरे सुरसुन्दरे
वन दुर्गा च मातंगे मदंगा मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराहि लक्ष्मी च पुरुषाकृति विमलोत्कर्षणे ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्ब शुम्ब हरिणी महिषासुरमर्दिनि मधुकेतवहन्द्रे च चण्डमुण्डा विनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्य धारणे तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारणे कुमारी चैकन्या च केशवे युवतीयतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्री तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवधूती करानी च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने जाहिलं प्रवहे नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुखं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्ये लभे मोतीं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजय परया भक्त्या पठे नाम सदाशिवम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राजाश्रयमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तरुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्रेण विलिख्यन्द्रं विधिना विधिज्ञो भवे सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे शतविशां गते विलख्य प्रवणे स्तोत्र सभवे सर्वदा पदा प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ विभूति की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सही भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य कर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके बुद्धि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधकजन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते हैं
उनका यश, उनका मान, उनके कीर्ति बढ़ती ही, वह आरोग्य प्राप्त होती ही, दीर्घायु को प्राप्त होती ही, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते ही। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्रीदण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गना स्वतमातरो भेजौ देवबन्धदेवता सत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यसे सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेयो उवाच ॐ जद्वै अम्बनमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जनकस्य चिदाघातं तन्मे लोहे पितामहः। ब्रह्मोवाच असि गुह्यतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकम् देव्यासोगवचं पुण्यं तश्श्रुणस्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाशवम् नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गः प्रकीर्तिता। उक्ताने तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानसो शत्रुमध्ये गतोरणे भीष्मे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गतः। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं ऋणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ये सुभक्त्या श्रुदानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां सरन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशयः। प्रेतु संस्थातु चामुण्डा भाराहि महिषासना ये दीघसमारूढ वैष्णवे गरुडासना माहेश्वरे विशारूढ कौमारेश्वरे वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवे पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरे वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोग समन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोध समाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेडकं दोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुण्टायुधं त्रिशूलं च शालङ्कमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्रायुधानीतं देवानां च हिताय वै नमस्ते सो महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देव दुःश्रेक्ष शत्रूणाभयवर्धने प्राचां रक्षत मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे मधुवाराहि नैत्यां खड्गधारिणि परदेशा वारुणे रक्ष वायव्या मृगवाहिनि उदे च मधुकौमारि एषा नाम शूलधारिणि ऊर्धं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ता वैष्णवे तथा एवं दश दिशो रक्ष चामुण्डा शववाहना जय मे चागतः पादो विजया पादो पृष्ठतः आजिता पाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखा मध्योदने रक्ष उमामूर्धने व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भुवो रक्षे ज्वस्वने त्रिनेत्रा च पुवर मध्ये जमघण्टा च नासिके शङ्खणे चक्षुर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनि पपौलौकालिका रक्षे कर्णमूले तु शङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोऽस्य च शिला
अधरे चामृत कला जिह्वायां च सरस्वती दन्तारक्षत कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका दण्डिकां चित्र घण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी च मुखं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनोधरी नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकोबरि सकन्ध्यो खड्गणे रक्षे बाहु मे वज्रधारिणी हस्योर्दण्डने रक्षे अम्बिका चाङ्गुलेषु च नकाशुलेश्वरि रक्षे कक्षौ रक्षे कुलेश्वरि स्तनो रक्षे महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणि नभो च कामणि रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरि तथा बोधना कामिका मेढं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवति रक्षे जानने विन्ध्यवासिनि जङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनि गुल्भयो नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेशिषे रक्षे पादाधस्तलवासिनि नखाण्डशाकराले च केशं चेवोर्ध्वकेशिनि रोमकोपेषु गोपेरी त्वजं भागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामान्सन्यासि मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालराति च वित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मापदे पदं कोशे कपे चूडामणि सुता ज्वालामुखे नख ज्वालाय वेद्या सर्वसन्तुषो शुक्लं ब्रह्माणि मे रक्षे सायं क्षत्रेश्वरि तथा अहङ्कारमणो बुद्धि रक्ष मे धर्मधारणि प्राणापाणौ तथा व्यानम् उदानम् च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणम् कल्याणशोभना रसे रूपे जगन्ते च शब्दे श्वसे योगणि सत्त्वम् रजस्तमस्येव रक्षे नारायणि सदा आयुरक्षतु वाराहि धर्मम् रक्षतु वैष्णवि यशा कीर्तिम् च लक्ष्मीम् च धनम् विद्याम् च जग्रणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मीर्भार्याम् रक्ष भैरवि पन्तानाम् सुभदा रक्षे मार्गम् क्षेमकरि तथा रायद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थितः रक्षाहीणाम् जयस्थानम् भजिताम् कवचेन तु ता सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशिनि परमेकं न गच्छेतो जलेशेषु आत्मनः वचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्तत्रातुलाभस्य विजयः सार्वकामिकः जं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमतुलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेश पराजितः त्रैलोके तु भवे पूजः कवचेनामृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचम् देवानामपि दुर्लभम् जापटे प्रयतो नित्यम् त्रिसन्ध्यम् सध्यान्वितः देवी कला भवे तस्य त्रैलोकेश पराजितः जीवेश्वरम् सग्रम् अपवित्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरम् जङ्गमम् चैव कृत्रिमम् चाभिजादृशम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः केचरः चैव जलजाशोपदेशिका सा जाकुलजा माला डाकणे शाकणे तथा अन्तरिक्षाचरा घोरा डाकिन्या च महाबला ग्रहभूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसभेतालः कुष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हि संस्थिते मानोन्नतिर्वभैराग्यस्तेजो वृद्धिकरम् परम् जसा भर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सस्यतीम् चण्डीम् चित्वा तु कवचम् पुरा जावद्भूमण्डलम् दत्ते शशलपणकाननम् तावत्तिष्ठति मे दिन्याम् सन्तति पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमम् स्थानम् जस्पुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामाया प्रसादतः लभते परमम् रूपम् शिवेन सह मोदते। ओ
अथ अर्गला स्तोत्र ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुभ छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशरे पाठांगत्वेन जपे विनियोगः ओम नमः शंडिकाये मार्कण्डे उवाच ओम जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपालने दुर्गाक्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमोऽस्तुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतादिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तुते मधुकेणव विद्रावि विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्ड विनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भस्येव न शुम्भस्य तुम्राक्षसजमर्दने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि बन्धिताङ्गेजुवे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अजिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रो विनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्ता चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुभद्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं जय त्वं अर्चयन्ति ह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वदेहि दुष्टां नाशं वदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवि कल्याणं वदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिकृष्टे चन्द्रम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्याभण्डं यशस्वन्तं लक्ष्मीभण्डं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पटजण्डदेदधर्वणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्भद्र संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संसुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुधानाथ संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इन्द्राणि पदसद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवे प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्य दर्प विनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवि भक्तजनो दाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पदनेनामां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कलोद्भवा इदं स्तोत्रं पठे त्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशते सङ्ख्या परमाप्नोति सम्पदा ॐ अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशरे पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच
ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रिया प्राति निमित्ताय नमः सोमाद धारिणे सर्वमेव दुयानीयं मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽभिक्षेमो वाप्नोति सततं जापे तत्परः सिद्ध्यन्तु चाणकादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुवतां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नोषधं तत्र न किञ्चित् विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामः हित्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रम् वे चण्डिकायासु तच्चुतुप्तम् चकारसः समाप्ते नर पुण्यस्य तां यथा वह्नियन्त्रणाम् सोऽभिक्षेमो वाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् वा चतुर्दशमष्टम्यामा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसीदति एत्थरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्किला विधायेन नित्यम् जपति संस्फुटम् सा सिद्धा सा गणा सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैव परतस्तस्य भयम् क्वापि अजायते नावमित्योपशम् जाति मृतो मोक्षम् वाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वा नो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते बुधे सौभाग्यादि यत्किञ्च दृश्यते ललनायने तत्सर्वम् तल्पसादेन तेन जाप्यमिदम् शुभम् शरणेषु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यके भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यल्पसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः श्रूयते सा न किञ्चने श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र मात्र निराकृत धूम विलोचन धूम
शिव शंभन शंभ महावतर पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी जय रघुवे धनुरण शंकर लक्षण दंड परेश्वर दंडन चढ़के शकन शंकर सिंगे चतुरंग बलक्षरंग बहुरंग बढ़के जय जय हे महिषासुरमर्दिनी जय जय सप्त जय जय सप्त परस्व तत्पर विश्वनुदे जन जन जिम जिंगो मुरित मोहित भूत पदे नड धन धन रे नट नायक नाट नाट सुखान रे जय जय हे महिषासुर मर्दिन रंजक पर दिन शैल बुरे हय सुमन 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 हर कांडियो चित रजनी 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 कर भक्त विदे सुनयन भी भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिन रंजक पर दिन शैल बुरे जय नमः हव मल्ल मकल्लिक मल्लिक मल्लिक मल्लर दे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंजक पर दिन जय रघुवे अविरल गंधकल मद मेदुर्मत्त मदंग राजपते शिव वन भूषण भूत कला निधि रूप पयो निधि राज सुते हय सुध दीशन लाल मानस मोहन मंगत राज सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंजक पर दिन सकल विलास कला निलया क्रम के चला कला सकले मणिकुल संकुल कमलय मंडल मोर कुल बकुला निकुले जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंजक पर दिन शैल बुरे हर मुरली नव भीषित कौशल रंजित कौशल मंडम रे नील सपुलिंग मनोहर मुंशित रंजित शीलन कुंडगरे महिषासुर मर्दिनी रंजक पर दिन शैल सुते हरि दर पीत भूल विचित्र मयो ततिरस्त चंद्र रुजे प्रणत सुरासुर मौलि मणेश्वर संचुल सन्मुख चंद्र रुजे यद कनकाचल मौलि पलोलित निर्भर कुंजर कुंभ कुजे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंजक पर दिन शैल सुते सहस्रेक सहस्रेक सहस्रे समान समाधि समान समाधि सुरादर दे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंजक पर दिन शैल सुते हर कमलं करुणा निलये वरि वक्ष दिशोनधि नन्दनिवे हय कमले कमला निलये कमला निलया जगदं न भवे परमेव परं परमित्यनुशीलयतो मम किर्ण शिवे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर दिन शैल सुते कण कर सकल सिन्धु जुरे नम सिन्धुमते गुणरन्धवम् भज निज किर्ण सचे कुसुमम् पतने परिरम् वसुकानुभवम् तव चरणम् शरणम् सर्वाणि न सामर्वाणि निवासिवम् जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर दिन शैल सुते तव विमलेन्द्र परम् भवने सुमलम् सकलम् ननुकूलयते किम् बोधपुरेन्द्र मुखे सुमुखे विरसौ विमते क्रियते मम तु मदम् शिव नाम दिने भवगे
शास्त्राणि श्रियन्तेऽहर्षमया दासोऽयमिति माम त्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यद्बोधितं मया देवि परिपूर्णं ददास्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदं भेति जो जले यां गतिं सम्पाप्नोति नातां ब्रह्मा दयासुरा सापराधोऽस्मि शरणं स्वां जगदम्बिके इदानीम् अनुगम्योऽहं यथेष्टसि तथा कुरु अज्ञानाधिश्रुते भ्रान्त्या यन्योऽहमधिकं विद्वान् तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सचिदानन्दविग्रहे ध्यानाकामिमा प्रेत प्रसीद परमेश्वरि भूयानि भूयगोपे त्वं ध्यानास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवि सत्यं ज्योतं वाणी माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सच्चे धर्म की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से जो प्रार्थना करते हुए कि माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस देवी की कृपा से माँ के आशीर्वाद से इस जगजननी के दरबार में आकर के माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस माँ जगजननी की कृपा प्राप्त करने का माँ भगवती की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। वास्तव में जो भी भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से इस माँ जगजननी का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती का श्रवण करते हैं, जिन्हें इस तरह से माँ के चरणों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होते हैं, उन भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन भगवती कृपा से माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार के कोई विघ्न बाधा नहीं आती, वह
सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनके जीवन सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है और इस प्रकार से माँ की कृपा से माँ का आशीर्वाद से उन भक्तों का सर्वत्र मंगल ही मंगल होता। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ की आराधना, माँ की पूजा जिस सब ओर से सुख को देने वाली ही, आत्म शांति देने वाली ही, कार्य सिद्ध करने वाली ही, विघ्नों को दूर करने वाली ही है। और जिस गृहस्थ में, जिस परिवार में प्रतिदिन निजर रूप से देवी की पूजा शक्ति की उपासना होती ही, उस घर में जय भगवती सर्वदा लक्ष्मी के रूप विराजमान होकर के अवध्य को देती ही, उन्नति को देती ही, सुख देती है, शांति देती है, सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल करती है। नवरात्रों में जो है भगवती की 9 दिन विशेष पूजा आराधना अर्चना कर करके भक्तजन जो है भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवती के जी जो नवरात्र होते हैं जी 9 दिन जो भगवती की जो विशेष पूजा होती है, विशेष शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचय दिन होते हैं जैसे भक्तजन जो है भगवती विशेष पूजा करते हैं, माँ का श्रृंगार करते हैं, घर में साफ सफाई करते हैं कि नवरात्र आ रहे हैं, सभी बालक युवा नर नारी वृद्ध सभी जो हैं शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवती की उपासना के लिए जो है पहले से तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। और फिर 9 दिन जो है उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करते हैं। इस प्रकार से माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए भगवत से प्रार्थना करते हैं कि भगवती प्रसन्न होइए और प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जब भगवती जब प्रसन्न होती ही तो यज्ञ का वध होते हैं, यज्ञ का कल्याण होते हैं, और जब जब कुविद हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, तो न जाने कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। इसलिए भक्तजन माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को जाने के लिए इस जगजन्य के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से यही प्रार्थना करते कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। स्नातन में पंचदेव उपासना जब बतलाई गई है, जो प्राय सभी कार्यों में इन देवताओं की विशेष पूजा की जाती है, चाहे विवाह होता है, चाहे जन्मदिन होते हैं, या कोई यज्ञ होता है, जो विशेष पूजा होती है, जब सामान्य पूजा होती है उसमें जो पंचदेव उपासना जो है विशेष की जाती है। वे पंचदेव कौन कौन से हैं? आदित्यम गणनाथम च देवीम रुद्रम च केशवम पंचदेवत इत्युक्तम सर्वकर्मसु पूज्येत। सभी कार्यों में जो है इनकी पूजा जो है जी की जाती है। आदित्यम भगवान सूर्य की पूजा, सूर्य की पूजा प्रतिदिन जो है प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ देना, उनका पूजन करना, सूर्य नमस्कार करना, इस प्रकार से जो प्रतिदिन जो है भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, क्योंकि सूर्य देवता जो है ये बुद्धि के देवता है, ज्ञान के देवता हैं। और इस प्रकार जो प्रतिदिन भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, उन्हें कभी चर्म रोग नहीं होता। और जो साक्षात देवता है प्रतिदिन जो सबको दर्शन देते हैं, जो तो कहते हैं कि कहां देवता, भगवान सूर्य तो साक्षात देव है। तो इसलिए जो है आदित्यम जो पंचदेव उपासना में आते हैं भगवान सूर्य की पूजा, गणनाथम च भगवान गणेश जे विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले गणेश जो हैं, और गणेश की पूजा, देवी माँ भगवती की दुर्गा की पूजा जो है माँ चंडी की पूजा, रुद्रम च भगवान शिव की आराधना शिव की पूजा, केशवम भगवान विष्णु, जे 5 देवता विशेष जो बतलाए गए हैं पंच देवत्वम सर्वकर्मसु पूज्य। सभी कार्यों में ये विशेष पूजा की जाती है। और कलयुग में ही कलो चंडी विनायक हो, कलयुग में जो है भगवती चंडी माँ दुर्गा और विनायक जो है ये सद्या फलदायी है। इस प्रकार से इनकी पूजा जो है ये करनी चाहिए सबको,
प्रतिदिन जब हम पूजा करते हैं, इनका स्मरण करते हैं, भगवान सूरज का जो है उन्हें अर्घ्य देते हैं, उनका पूजन करते हैं, गणेश का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं, भगवान शिव को नमस्कार करते हैं, भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं, इस प्रकार से जो पंचदेव उपासना करने से जो है मनुष्य के जीवन कभी भी कोई विघ्न बाधा नहीं आती, उसकी जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है। फिर जो है कहा है शास्त्र में, एका मूर्ति न संपूज्या ग्रहण चेष्टा अनेक मूर्ति संपन्न सर्वान कामान भापुण। फिर जहां तक गृहस्थी को जो है केवल मात्र एक ही देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, अनेक देव देवता की उसे पूजा करनी चाहिए, परंतु उसमें भी कहा है जो आपका इष्ट देव है, आपके इष्ट देव जो भगवती है, आपके इष्ट देव जो भगवान विष्णु है, आपके इष्ट देव जो भगवान शिव है, आपके इष्ट देव जो गणेश है, जन जो भी आपके इष्ट देव जो है उसकी मध्य में सामने जो है उसकी प्रतिमा जो रखे और बाकी अगल बगल मूर्ति उसे रख करके फिर पूजा करनी चाहिए। सामने अपने इस देव की जो है पूजा करनी चाहिए, एक मूर्ति न संपूज्या, केवल मात्र गृहस्थी को एक ही मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, अनेक मूर्तियों की पूजा कर करके उनका सभी देव देवताओं का आशीर्वाद जो है प्राप्त करना चाहिए। गृह लिंगे द्वयम नार्चम गृहस्थ त्रयम तथा शंख द्वयम तथा सूर्य नार्चो शक्ति त्रयम तथा, घर के अंदर जो दो शिवलिंग जो है जिन नहीं रखनी चाहिए, दो शिवलिंग जो है क्योंकि जो कुछ विधि विधान जो है शास्त्र भी जो कर्म जो होते हैं क्या होता है, कई बार हम जो पूजा तो बड़ी श्रद्धा से करते हैं परंतु घर में क्लेश रहते हैं, विघ्न आते हैं, परेशानियां जाती हैं, जो है रोग आते हैं, कई प्रकार विपत्तियां आ जाती हैं, तो इसमें कुछ कारण होते हैं, तो घर के अंदर दो शिवलिंग जो कभी नहीं रखने चाहिए, एक शिवलिंग रखे, दो शिवलिंग रखने से कई विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाती है, कई कष्ट आ जाते हैं। इसी प्रकार से गृह लिंग द्वयम नार्चम गणेश नेत्रयम तथा और गणेश के तीन प्रतिमा रख करके ऐसे पूजन करनी चाहिए, एक दो तीन ऐसे। फिर जो है शंख द्वयम, घर के अंदर दो शंख भी नहीं रखने चाहिए, एक शंख उसकी पूजा करें तथा सूर्य नार्चम शक्ति त्रयम तथा, और इस प्रकार दो सूर्य, सूर्य की जो जैसे सूर्य की पूजा करते हैं तो एक सूर्य की प्रतिमा मूर्ति जो रख करके उसकी पूजा करनी चाहिए, शक्ति त्रयम तथा और तीन शक्ति की एक साथ पूजा। शक्ति क्या है देखिए, जैसे आप काली की पूजा करते हैं या लक्ष्मी पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं तो सरस्वती की एक प्रतिमा रखें, ऐसा नहीं कि आप तीन चार पांच ऐसे रख लें, तो इस प्रकार से एक सरस्वती की, एक काली की, एक लक्ष्मी, इस प्रकार से जी जो है मूर्ति रखनी चाहिए, शक्ति की पूजा इस प्रकार से करनी चाहिए। द्वे चक्र द्वारका के आस्तु शाल ग्रहम शिला द्वयम तेषम तो पूजने पूजने ने उद्वेगम प्रापण जात ग्रह चक्रे द्वे चक्रे, दो चक्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, द्वारका आस्तु शालग्राम शिला द्वयम, तो इसी प्रकार से जिस शालिग्राम की एक तो जो है ये स्थापना ये स्वयं जो है ये आप ऐसे रख सकते हैं, इनकी जो है जीवा देन देने की, जीवा दान देने की आवश्यकता नहीं होती इनको, और दो शालिग्राम नहीं रखने चाहिए। तेषां तो पूजने व उद्वेगम प्राप्ण जात ग्रहे, तो यदि इनका इस प्रकार से पूजा करते हैं, दो दो इस प्रकार से रखते हैं तो घर में विघ्न आते हैं। फिर शालग्राम शिलास्तु प्रतिष्ठा नहीं पद्धत है, शालिग्राम की प्रतिष्ठा जो है नहीं होती है, और गृह चलार्चा विज्ञा प्रसाद स्थिर संगिका, और घर के जो मूर्ति स्थापित की जाती है उसकी चल प्रतिष्ठा होती है ना कि स्थिर प्रतिष्ठा। स्थिर प्रतिष्ठा जो मंदिरों में होती है, घर के अंदर चल प्रतिष्ठा यदि आपको मंदिर आपको जहीं आगे पीछे करने पर वहां से आप उसको परिवर्तन कर सकते हैं जब चल प्रतिष्ठा होगी, यदि आपने प्रतिष्ठा कर दी जो है स्थिर प्रतिष्ठा फिर वहां से आपको आप उसे हिला नहीं सकते। जो विधान है कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए और इस प्रकार से विधि विधान से पूजा करते हैं फिर घर में विघ्न बाधा नहीं आती। एका चंड्या रवे सप्त तेसरा कार्य विनायके हरेस्तस्रा कर्तव्य शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, आप किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, तो एका चंड्या भगवती की एक परिक्रमा, माँ भगवती की आप दुर्गा मंदिर में जाते हैं परिक्रमा करते हैं तो माँ दुर्गा की जो है ये एक परिक्रमा जो है ये करनी चाहिए। रवि सप्त भगवान सूर्य की सात परिक्रमा, तीसरा कार्य विनायक और गणेश की तीन परिक्रमा,
जी करनी चाहिए। हरे तस्रा और भगवान विष्णु की चार परिक्रमा, कृतभ्य शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणा और भगवान शिव की आधी परिक्रमा। उसकी जलारी जहाँ से पानी निकलता है उसको क्रासने किया जाता है, वहां तक घूम करके फिर दूसरे पर आकर के प्रणाम कर दे आदि परिक्रमा। तो जी विधि विधान है ऐसे जो है जी पूजा अर्चना जो है घर के अंदर जो है जे करनी चाहिए। फिर प्रातः काल उठते ही जो है आपको जो इस देव का स्मरण करें, भगवती का स्मरण करें, सभी देव देवता का स्मरण करते हुए जो है अपने दोनों हाथ जो है अपने मुख के सामने ले आए। उठते ही भगवान का स्मरण करते हुए दोनों हाथ जो है जब प्रातः काल जो उठते ही अपने सामने ले आए भगवान का स्मरण करते उठे। रात को जब सोना है तो भी भगवान का स्मरण करते हुए, भगवती का स्मरण करते हुए बाप शयन करें और प्रातः काल उठे। आपका दोनों हाथ सामने होने चाहिए, आपकी दृष्टि जो है अपने हाथों की तरफ होनी चाहिए पहली नजर। तो क्या कहा है शास्त्र में, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मध्य स्थो कर मूले स्थो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले किसी का दर्शन करते हुए अपने हाथों की ओर देखें, क्योंकि ये इन्हीं हाथों के द्वारा हम कर्म कर करके वृद्धि को प्राप्त होते हैं, अवधि को प्राप्त होते हैं, उन्नति को प्राप्त होते हैं, धन की प्राप्ति करते हैं, परिवार में सब प्रकार की सुख शांति जो है जो भी हम कर्म करते हैं इन्हीं से हमें सफलता मिलती है। तो कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्र भाग में जो है ये अग्र भाग जो है जहाँ पर माँ लक्ष्मी का निवास होता है कभी धन की कमी नहीं आएगी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने कर के अग्र भाग में जो है दृष्टि रखे और भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करें। कर मध्य सरस्वती और कर के मध्य भाग में माँ सरस्वती निवास करती है, आपकी बुद्धि कभी विकृति को विकार नहीं आएंगे, आपके बुद्धि बिल्कुल दिन भर सब जो है ठीक निर्णय करेगी और जब ठीक निर्णय होंगे तो जीवन कभी विघ्न बाधा आ नहीं सकती। तो मध्य भाग में माँ सरस्वती का निवास होता है इसलिए यहाँ पर फिर दृष्टि डालें। कर मूल स्थो ब्रह्मा और जो मूल भाग में जो है ब्रह्मा निवास करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि कर चेता है जो इस प्रकार से वह सर्वोत्र जो है जो वृद्धि के सोचक हैं, इस प्रकार से हम जो भी कार्य करते हैं उसमें वृद्धि हो और इस प्रकार से जी प्रातः लौटते अपने हाथों की तरफ देखें और भगवान से भगवती माँ लक्ष्मी से माँ सरस्वती से ब्रह्मा से प्रार्थना करें हम जो जो कार्य करें उनमें हमें सफलता प्राप्त हो, हमें किसी के हाथों की तरफ देखना ना पड़े, अपने हाथों की तरफ देखें और देव कृपा से जो प्राप्त हो उसी में संतोष करें, संतोष में ही परम सुख है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से अब शक्ति पूजन जो मैं आपको विशेष जो बताने जा रहा हूँ आज जो है कि अभी 18 मार्च से बसंत के नवरात्र जो प्रारंभ हो रहे हैं जिसमें आप सभी जो है शक्ति विशेष पूजा करेंगे। कुछ लोग शक्ति पीठ पर जाकर के शक्ति उपासना करते हैं, घरों के अंदर जो है भगवती की जोत जगाते हैं, शाखा रोपण करते हैं, कल स्थापन करते हैं, फिर जो है 9 दिन की साधना विशेष करते हैं, व्रत करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए भगवती की आराधना अर्चना जो करते हैं। तो इस प्रकार से जो नवरात्र जी 18 पहले तो जो 18 मार्च से जी पहला नवरात्र जी ये प्रारंभ हो रहा है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ये नवरात्र जी प्रारंभ होगा। इस प्रकार से 18 को कोई भद्रा नहीं है, नक्षत्र बिल्कुल शुभ है, सारा दिन जो शुभ है, शाखा रोपण प्रातः काल शाखा रोपण कीजिए और सारा दिन जी शुभ है। उसमें कोई ऐसा कहो कि कई बार कोई नक्षत्र ऐसा आता है जिसमें वह पूजन जब भद्र आ जाए तो उसमें जो है फिर शाखा रोपण करना या कल स्थापन करना वह उसका समय निर्धारित किया जाता है। 18 को सारा दिन शुभ है परंतु वह कोई शुभ कार्य करना जो होता है वो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, वही विशेष जो शुभ माना जाता है। दूसरे जो आप शाखा रोपण करेंगे कल स्थापन करेंगे तो कल स्थापन जो किया जाता है कल स्थापन जो है चांदी का हो, तांबे का हो या मिट्टी का हो, जो कल स्थापन अब कल स्थापन की भी विधि है कैसे जो है कल स्थापन जो है किया जाए और कल स्थापन में जो है आप कुछ मिट्टी शुद्ध मिट्टी रख करके जो है वह कलश के नीचे रखें, उसके ऊपर धान्य जो है कुछ धन जो है अनाज जो अन्न जो है जो जो है उसके ऊपर रखें, उसके ऊपर जो है वह जल का पात्र कलश जो है उससे जल का भर करके उसके ऊपर रखें, उसमें गंगा जल डालें, फिर जो है तुलसी मिट्टी वह उसमें डालें, फिर जो है उसमें जो है सुपारी
लौंग इलायची जो है वह उसमें डालें एक सिक्का, सिक्का भी जो है पंचरत्न के स्थान पर उसको आप जो है उसमें डालें, फिर गंध पुष्प जो है उसमें डाल करके जो है सभी तीर्थों का आवाहन करें, सभी तीर्थ जो आकर के इस कलश में निवास करें, उसमें गले में जो है लाल धागा बांध दें और लाल कपड़े से ही उसको वेष्टित उसको लपेटें, और फिर जो है उसमें जब पांच पल्लव आम के पत्ते वह उसमें डालें, फिर उसके ऊपर जो है एक तस्ते प्लेट या कोली में चावल भर करके उसके ऊपर रखें, उसके ऊपर जो है फिर नारियल स्थापित करें। अब नारियल जो है जे कैसे उस पर रखना है ये विशेष ध्यान देने की बात है। कुछ लोग तो उसको खड़ा करके रख देते हैं और ऐसे बड़ा अच्छा लगता है, प्राय आप देखते हैं खड़ा करके रखा होता है, परंतु शास्त्र में जो इसका विधान बतलाया गया है जब पूजा में उसे रखते हैं तो उसे कैसे रखना चाहिए, खड़ा रखें या सीधा रखें या दूसरी तरफ मुख करें, तो नारियल का जो मुख होते हैं आप देखते हैं जब उसको छिलके उतारते हैं तो उसके जो है वो नेत्र बने होते हैं, आँख कान सब बना होता है, तो वो उसका मुख होता है, वो उसका मुख होता है, उसका मुख आपके सामने होना चाहिए, उसके डुंडली जिस तरफ से वह नारियल जैसे पेड़ के साथ लगा होता है वो डुंडली वही पे उसका मुख होता है, वह आपके सामने होना चाहिए सम्मुख। अब जो है देखिए जो उसका मुख है आपके सामने, देवी देवता का जो पूजा करते हैं जब सम्मुख होते हैं जैसे आप मेरे सामने बैठे, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको बात बतला रहा हूँ, आप उसको सुन रहे हैं समझ रहे हैं और आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, तो इस प्रकार देवताओं के सामने बिठाकर जब हम पूजा करते हैं उसके सामने हम प्रार्थना करते हैं, जो अपने दुख होते हैं उनके सामने रखते हैं, तो फिर जब प्रणाम करते हैं तो उनका हमें आशीर्वाद मिलता है। जब उसका मुख हमारे सामने ना होकर उसकी पीठ हमारे सामने होगी तो वह आशीर्वाद नहीं मिलता, जब मुख ऊपर की ओर होगा तो आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, नीचे की ओर मुख होगा आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए शास्त्र में क्या कहा है, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य भक्त्रम बहुरोग वृद्धे प्राची मुखम वृत्त विनाशाय विनाशनाय तस्मा शुभम समुखम नारिकेलम। तो कहा है अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, अब जो है यदि आप अधोमुख नीचे की ओर उसका मुख रखते हैं उल्टा नारे रख देते हैं तो उसका फल क्या होता है, शत्रु विवर्धनाय शत्रु की वृद्धि होती है, शत्रु आप पर हावी हो जाएंगे। हम कहते हैं हमने 9 दिन पूजा भी की परंतु हमें परेशानी परेशानी आई, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो अधोमुख रखने से शत्रु जो है वे हावी हो जाते हैं, शत्रुओं की वृद्धि होती है। ऊर्ध्वस्य भक्त्रम बहु भक्त्रम बहु रोग वृद्धे, और यदि उसका मुख ऊपर की ओर कर देते हैं तो बहुत सारे रोगों की प्राप्ति होती है, रोग आते कष्ट आते व्यक्ति बीमार हो जाते हैं। हम तो पूजा कर रहे थे बीमार हो गए, क्या कारण हुआ, तो जे कुछ कारण होते हैं बीच में तो ऊपर की ओर मुख रखते हैं तो रोगों का समझिए कि रोगों का आगमन होता है, नीचे को रखते हैं तो शत्रु जो दबाएंगे परेशान कर देंगे। फिर जो है प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, यदि जो है आप उसका मुख उसकी पीठ जो है अपनी तरफ कर लेते मुख दूसरी तरफ कर देते हैं तो क्या होता है कि वित्त विनाशनाय धन की हानि होती है, धन का नाश होता है। देखिए पूजा की परंतु जो है विघ्न आ गए, कारोबार में विघ्न आ गए, धन की हानि होगी नुकसान हो गया, तो ये भी कारण होते हैं। तो कहा है तस्मा शवम समुखम नारिकेलम, नारियल जो है सम्मुख अपनी तरफ उसका मुख होना चाहिए, ऐसे ना खड़ा ना उल्टा ना दूसरी तरफ मुख, अपनी तरफ मुख जो है उसका होगा तो सब ओर से शुभ देगा, धन की वृद्धि करेगा, रोगों का नाश करेगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी, शत्रु पर विजय प्राप्त होगी और मंगल होगा, परिवार में सुख होगा, शांति होगी, मैत्री संवर्धन होगा और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगी। जे कल स्थापन की विधि है, फिर जो शाखा रोपण करें और पहले दिन जो है शाखा रोपण जब किया फिर पहले दिन वह दीप प्रज्वलित करें, दीप प्रज्वलित करें, एक जोत होती है वह आप जाते हैं घी की जोत जो है, कुछ लोग अखंड जोत करते हैं और कुछ लोग जब प्रतिदिन प्रातःकाल सांझ को जोत करते हैं, फिर एक दीपक होता है जिसको तेल का दीप सरसों के तेल का दीप मिट्टी का दीप जलाया जाता है, उसको कैसे रखना है उसका विधान बतलाया है, आजुर्दा प्रामुखम उसे भी जलाना चाहिए 9 दिन जो है,
आजुदा प्रामुखम दीप है कि पूर्व की ओर जो है उसका मुख अब रखते हैं तो वह आजू को जो है आजुदा आजू को देते हैं। दंडा सात उदंग मुख है इस पर उत्तर की तरफ जो है उत्तर की तरफ जो है आप उसका मुख रखते हैं तो उससे क्या होते हैं दंडा धन की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। प्रत्यंग मुखो दुख दोषो हानि दो दक्षिणा मुख पश्चिम की तरफ जो इसको मुख रखते हैं तो इस प्रकार से दुख को देता कष्ट देता है हानि दो दक्षिणा मुख है तो जो दक्षिण की ओर उसका मुख करते हैं कई प्रकार के वह जो है हानि करता है। इसलिए पूर्व ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ उसका मुख होना चाहिए, ईस्ट और नॉर्थ की तरफ जो उसका जो मुख होता है तो सब प्रकार की समृद्धि को देने वाला तो है, धन को देने वाला तो है, सब ओर से वही कल्याण को देने वाला होते हैं। इस प्रकार से यह दीप का जो मुख जो होता है वह भी ऐसे रखें पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ। जी विधि विधान जो मैं आपको बतलाया है फिर जो है इस तरह से जब साधक जो है जो नौ दिन साधना करते शक्ति पूजन जो है जो किए जाते हैं चाहे वह धन शक्ति है शरीर शक्ति है ज्ञान शक्ति है विद्या बुद्धि की शक्ति के लिए जो है विद्यार्थी विशेष पूजा करते हैं परंतु ये ज्ञान की शक्ति सबको जरूर पड़ती है चाहे वह वृद्ध है चाहे नौजवान है चाहे बालक है सबको जो है इन शक्तियों के हमारी काया जो शरीर ठीक रहे तंदुरुस्त निरोगी जीवन हमें प्राप्त हो धन शक्ति की हमें कृपा प्राप्त हो और माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त हो अर्थात ज्ञान शक्ति सरस्वती शक्ति की और ये तीन शक्ति जहाँ पर आप बैठे हुए हैं तो इस प्रकार से ये शक्ति संचय करने के लिए ही भगवती की विशेष आराधना की जो तो प्रतिदिन आप पूजा करते हैं परंतु तो नौ दिन की विशेष पूजा जो है ये वास्तव में जब जो साधक जो करते हैं उसके जीवन सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। सच्चे दरबार की जय। तो नवरात्रों में जहाँ भगवती के दरबार में नौ दिन जो है विशेष सचंडी यज्ञ किए जाते हैं जिस श्राइन बोर्ड की ओर से यज्ञ होते हैं परंतु उसमें दो ही जन भय होता धन भय होता है ये जो आप जो है अपनी जो भेंट जो माँ के चरण में अर्पित करते हैं ये केवल मात्र आप देखिए कितने लोगों की सुख सुविधा के लिए जो है चाहे वे रहने के लिए स्थाएं बनाई जा रही हैं रास्ते भली प्रकार से सुख बनाए जा रहे हैं रोपवे जो है जो बनाए जा रहे हैं ताकि आप भैरव घाटी के लिए बहुत जल्दी जो है ये रास्ता जो तैयार हो जाएगा और वह भी आप लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ बार विद्यार्थी जो है वह ज्ञान अर्जित करते हैं जिस सब पुण्य का फल आप लोगों को जो मिलता है क्योंकि आपने जो दो दो पैसे जो दो दो रुपये आप यहाँ पर चढ़ाते हैं जो भी आप भेंट जहाँ समर्पित करते हैं माँ के चरणों में उस सत्कार्य होते हैं और इस पुण्य के भागीदार आप भी हैं। आप उस पुण्य के जो भागीदार हैं यूनिवर्सिटी बनी हॉस्पिटल जो इतना बड़ा बना तो दूर दूर से लोग जो अपने रोग मुक्त के लिए जो वहां पर आकर के सुख की प्राप्ति करते हैं गुरुकुल की स्थापना जहां पर की गई इस प्रकार से 2010 में जो है ये गुरुकुल की स्थापना हुई थी बाबर विद्यार्थी जो है वे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं निःशुल्क जो है कोई उनसे कोई धन लिया जाता है जो है बिल्कुल फ्री शिक्षा हमें दी जाती है बच्चों को और वही बच्चे आगे समाज में जाकर के वह एक समाज का भी आदर्श बनेंगे पूरे देश का आदर्श बनेंगे ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति जहाँ पर जो है आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा का भी उन्हें ज्ञान दिया जाता है संस्कृत का कि सब प्रकार की भाषा उन्हें सिखाई जाती है वेदों का मंत्रों का उच्चारण जो है कैसे कर्मकांड करवाना है कैसे जो है ज्योतिष का वो बिल्कुल जो है निपुण किए जा रहे हैं बच्चे चाहे जो आधुनिक जो शिक्षा है उसका और साथ में जो वैदिक शिक्षा जो दी जाती है ताकि ये सर्वगुण संपन्न होकर के आगे चल करके यही बच्चे जो है ज्ञान जो है समाज का जो है ये भलाई के रास्ते पर चलते हुए समाज का भी भला करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो नवरात्र में सायंकाल की पूजा का जो है वह समय जो है ये परिवर्तन किया जाता है ये सभी जो प्रतिदिन जो आरती देखते हैं तो उसमें सबके लिए ये सूचना है विशेष जो है कि 18 मार्च को सायंकाल की आरती जो है जे 7:20 पर जो है ये इसका प्रसारण होगा। इस समय जो है शिव भीष्म पर होते हैं परंतु पहले नवरात्र में जो है हर नवरात्रों में इसका सायंकाल की आरती का समय जो है जो बदला जाता है परिवर्तन किया जाता है इसमें तो 18 मार्च को जो है सायंकाल की आरती जे 7:20 पर जो है ये श्रद्धा चैनल से इसका प्रसारण होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय कराय श्री वाली जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। समय अधिक हो चुका है मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ निवेदन करा श्री
विजय कुमार जी माया के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त में संकीर्तन में सहयोग देना शामिल कुलना ताल भी जाते हुए श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेर वाली दास सच्चे दरबार की जय। मेरी शेरा वाली माँ नैन मेरे रोंदे ने, नैन मेरे रोंदे ने। मेरी माँ नैन मेरे रोंदे ने, नैन मेरे रोंदे ने। तेरी याद च मेरी माँ नैन मेरे रोंदे ने, नैन मेरे रोंदे ने। तेरी याद च मेरी माँ नैन मेरे रोंदे ने, मेरे रोते ने। तेरी आदत मेरी माँ नैन मेरे रोते ने, नैन मेरे रोते ने। ताले सभी हाथ खुल कर लगाए चले ताले नहीं। एक बार सभी भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरण में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर भगवती आप भक्त के हाजिर से विचार करें। आपके झोलियाँ भरे, आपके मुरादे पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भरता रहे। हिम्मते रहेंगे शाम सवेरे, कल्या बैके खूब हनेरे। कल्या बैके खूब हनेरे, कल्या बैके खूब हनेरे। ओ सिम दे रहेंगे शाम सवेरे, कल्या बैके खूब हनेरे। कल्या बैके खूब हनेरे, कल्या बैके खूब हनेरे। नैन चैन ना पांदे पगले, नैन चैन ना पांदे पगले, नैन चैन ना पांदे पगले। कर पल का दीठा नैन मेरे रोंदे ने, मेरी याद च मेरी माँ नैन मेरे रोंदे ने, नैन मेरे रोंदे ने। मेरी शेरा वाली माँ नैन मेरे रोंदे ने, नैन मेरे रोंदे ने। तेरी याद च मेरी माँ नैन मेरे रोंदे ने, नैन मेरे रोंदे ने। कजले दी स्याही कुल कुल के, नैना दियां सिपियां तो डुल के, नैना दियां सिपियां तो डुल के, नैना दियां सिपियां तो डुल के। कजले दी स्याही कुल कुल के, नैना दियां सिपियां तो डुल के, नैना दियां सिपियां तो डुल के, नैना दियां सिपियां तो डुल के। इक इक हंडू डिग दादा ती, इक हंडू डिग दादा ती, इक इक हंडू डिग दादा ती, इक हंडू डिग दादा ती। लेके तेरा नाम नैन मेरे रोंदे ने, तेरी याद च मेरी माँ नैन मेरे रोंदे ने, नैन मेरे रोंदे ने। मेरी शेरा वाली माँ नैन मेरे रोंदे ने, नैन मेरे रोंदे। तेरी याद च मेरी माँ
थकदे 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 कदे नहीं थकदे आ थकदे थकदे कदे नहीं थकदे 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 कदे नहीं थकदे चरणी लाल है सानू दाती 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 खड़ ले मेरी धरती गोद संभाले धरती गोद संभाले धरती गोद संभाले को सायत रूकिनिया वाले धरती गोद संभाले धरती गोद संभाले धरती गोद संभाले ओ जोश जो गिर जाए तेरी नजरों भजन जगदम बेका करने जगत दो दिन का मेला है भजन जगदम बेका करने जगत दो दिन का मेला है भजन जगदम बेका करने जगत दो दिन का मेला भजन जगदम बेकार करे जगत दो दिल का मेला हाँ जो करना है उसे करने चले जाने का मेला है जो करना है उसे करने
ਮੈਂ
मैया याद कुवारी है हो ज्वाला महाकाली रूप गई रूप गई रूप गई कर दिए भक्तरे भंडार भवानी भर दिए मेरी दाती दया हर कृपे कर दिए भक्तरे भंडार भवानी भर दिए हाँ मेरी दाती दया हर कृपे कर दिए भक्तरे भंडार भवानी भर दिए ब्रह्मा ने वेद बनाए ऐसे की महिमा गागा ब्रह्मा ने वेद बनाए शिव शंकर इंद्र विष्णु सब ऐसे ने उपजाए शिव शंकर इंद्र विष्णु सब ऐसे ने उपजाए रक्षा और रक्षा कर दिए भक्तरे भंडार भवानी कहो आ मेरी दाती दया हर कृपे कर दिए भक्तरे भंडार भवानी भर दिए आ मेरी दाती दया हर कृपे कर दिए आ भक्तरे भंडार भवानी भर दिए दुख मिट जाते जय जय माता दी कह के दुखियां दे दुख मिट जाते जय जय माता दी कह के सच जानो कौन वाली मैया दाही ना लह के सच जानो कौन वाली मैया दाही ना लह के ओ दुनिया डर दिए भक्तरे भंडार भवानी भर दिए हाँ मेरी दाती दया हर कृपे कर दिए भक्तरे भंडार भवानी भर दिए ओ मेरी दाती दया हर कृपे कर दिए भक्तरे भंडार भवानी भर दिए ए दुष्ट संहारण वाली जलखंडे नो हथ पावे दुष्ट संहारण वाली जलखंडे नो हथ पावे हे पृथ्वी थर थर कंबे तद परले ही हो जाए आहे पृथ्वी थर थर कंबे तद परले ही हो जाए जदों ए लड़ दिए भक्तरे भंडार भवानी भर दिए मेरी दादी दया हर कृपे कर दिए भक्तरे भंडार भवानी भर दिए दाती दया हरिकते कर दिए भक्तरे भंडार भवानी भर दिए शस्त्रधार के अम्बे जब शेर सवारी कर दी ए शस्त्रधार के अम्बे जब शेर सवारी कर की तर पवन रूप जग जननी रक्षा कर दी कर दी तर पवन रूप जग जननी रक्षा कर दी कर दी चमनना 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 डर दिए भक्तरे भंडार भवानी भर दिए हाँ मेरी दाती दया हर कृपे कर दिए भक्तरे भंडार भवानी भर दो हाँ मेरी दाती दया हर कृपे कर दिए भक्तरे भंडार भवानी भर दिए मेरी दाती दया हर कृपे कर दिए भक्तरे भंडार भवानी भर दिए मेरी दादी दया हर कृपे कर दिए भक्तरे भंडार भवानी भर दिए भक्तरे भंडार भवानी भर दिए ओ भक्तरे भंडार भवानी भर दिए जय कर श्री राम बोल सच्चे दरबार की जय आरोड़े भ्रमति गगने दक्षिणे चक्षुत्र वामे हस्ते दिव्याम्रे कणकमयं पुस्तकं जनगम्यं साभिनां भदन्ति स्वकर्कृजपे शास्त्र विज्ञान शुभते क्रीडन्त दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना सच्चिया ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संवत 2074 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु चैत्र मास की आज तीन प्रविष्टि ही कृष्ण पक्ष आज चतुर्दशी तिथि ही शुक्रवार तदनुसार 16 मार्च
सन 2018 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्त जनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में विशेष चतुर्दशी के दिन माँ के चरण में बैठ करके माँ की अर्चना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों कृपा बनी रहे और भगवत के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भवने भवे श्रीमान यशस्वी भवे प्रज्ञा भवने भवे भूरिभूत करणे धाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे वैरि धर्म दलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंभर पाद पुण्यरत सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रुना बुद्धिनाशोस्त मित्राणाम देश शरीर वर्चस्व आयुष्मारोग्यमाविदा शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। समय को वलन ताली बजाते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर को मृग मद को मैया टी को मृग मद को जल से दो नैना जल से दो नैना चंद्र बदन Oh,
सूचना ही कि 18 मार्च से नवरात्र जो वसंत के नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं जो 25 मार्च तक रहेंगे। 25 मार्च को जो है नवमी जे पूर्णावती होगी जहाँ यज्ञ की भी, क्योंकि प्रत्येक नवरात्र जहाँ पर सचंडी यज्ञ किए जाते हैं जे विश्व कल्याण के लिए यज्ञ होते हैं, पूरे विश्व के लिए जो भी भक्तजन माँ के दरबार में आते हैं माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार जो घरों में बैठे हुए हैं वास्तव पूरे विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए, विश्व के सुख समृद्धि के लिए जो है ये यज्ञ किए जाते हैं। और ये यज्ञ जो है 18 मार्च से प्रातःकाल जो प्रारंभ होकर के जे 25 मार्च को ये इसकी जो पूर्णावति होगी। तो ये नवरात्र जो है, एक तो प्रथम नवरात्र में सायंकाल की आरती जो है इसका समय परिवर्तन किया जाएगा। तो ये प्रथम नवरात्र में सायंकाल की आरती जो है ये 7:20 पर जो है ये प्रारंभ होगी। दूसरा जो अष्टमी नवमी संस जो है, क्योंकि इस बार एक नवरात्र कम है कि एक तिथि नौमी तिथि छह तिथि हुई है, छह तिथि वह कहलाती है जिस तिथि में एक बार सूर्योदय ना हो वह तिथि क्षय हो जाती है। तो इस प्रकार जब तिथि क्षय होती है तो एक तिथि उस पक्ष में कम हो जाती है, इसलिए इस बार एक नवरात्र जो है ये कम है। तो 24 मार्च को जो है ये सप्तमी जो है ये 10:06 तक ही उसके उपरांत अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी। तो अष्टमी का पूजन जो 24 मार्च को आप कर सकते हैं 10:06 के उपरांत जो है। फिर 25 मार्च को जो है प्रातःकाल अष्टमी जो है ये 8:03 तक है। तो 8:03 के उपरांत जो नवमी प्रारंभ हो जाएगी और नवमी दूसरे दिन सूर्य से पहले समाप्त है। तो राम नवमी जो है ये 25 मार्च को ही बनाई जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये प्रेम से बोलो जय माता दे, कमल बोलो जय माता दे, जय माता दे, काली विजय को जय माता दी, 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 प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्त जन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर बोलना ओ देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमं सुखं, देहि में परमं सुखं, देहि जयं देहि
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो देहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्तिः 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 बैठे आरती क्रम देखे सुने और मान्य मान महाभगत का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना मेरे काज करो हमेश जय मां आनंद आनंद करो कल्याणी कल्याण मैयात पहल जो सतगड़ी जो चरणों का ज्ञान जय महाकालिका जामस्तो सविदे अलोकमलजो
अन्तं मधुकेतवम् अक्षातस्पर्शं कलेशकुलिशं परमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमतिं च धर्मजलजं घण्टासुरावाजनं चूलं पाचदर्शने चतुर्दे हस्ते प्रसन्नायनां सेवे देवमर्दनी महिमा लक्ष्मी तरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि कण्ठमुसले चक्रं धनुसायकं कच्छाजेतसिङ्गलाञ्चविलसन् शीतांशतुल्याप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता आधारभूता महा पूर्वा मत्र सरस्वती मन्वजे शुम्भादिविघ्नहरिणी तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धो सुहृदा तुमेव तुमेव विद्या जयदं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानभङ्गं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे 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 गोविन्द गोपाल मत्सन्त किशोरे ध्यानं भजे शरणं भजे विद्यापदे भगवन् नमस्ते सच्या ज्योता बाली माता तेरी सदा जय बोला रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार विश्रांति देने वाली माता तेरी सदा कुलाच का माफ करने वाली माता तेरी सदा गुफा विच निवास करने वाली माता तेरी सदा लुंकड़ा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो हर हर महादेव बोलो बाबा शिव की जय सनातन धर्म की जय ओ माता की जय ओ सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय ओ सच्चे दरबार की जय जनों को माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जयकारा शरण वाली दा ओम दुर्गा देवी नमः अक्षरपद्म हस्तरत्न मुझे आशीर्वाद भांगे स्नायु पर ओम अर्जुन आगे 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 जाओ आगे बोलो ॐ नमो देवे महादेवे शिवाय सप्तम नमः नमः कृष्णधारां धरादर्शं कृष्णान्तरेशं ॐ नमो भगवते महाभारत नमः शिवाय नमः 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 नमः
राइट हैंड से आशीर्वाद देना जोर जोर से बाहर निकालो राइट हैंड आ जाओ आप भी राइट हैंड बाहर निकालो इधर ठीक है आशीर्वाद देना जोर जोर से शक्ति नहीं है दो से दो से ओम गारु भी शक्ति रूप से नमस्ते नमस्ते